के धर्म भरा पठारी में रुपया भरा सोना चांदी रात में लूट लाओगे और पूरे एरिया के भुट्टे गरीब रहन का खाना पिलाना या शादी करना उनके लिए काम करते थे। ऐसे पुत्र पाल जी को भी मैं कहूँगा कि अगर ये हमसे डीएम साहब पूछिए क्योंकि जैसे हमारे साथ चल रहे लोग बहुत नेता लोग इन पर नजर बनाए हैं तो डीएम साहब कहेंगे भैया बताओ उत्तम काल के बारे में जो प्रख्यात था वो उस तरह पेपर छुप गया कि कॉलोनी में रुपया लिए इनका पहाड़ तो हम करा देंगे लेकिन हमने कहा और इन्होंने भी कहा कि तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा हाईकोर्ट मुझे आज उसी देगा कम मैं मानूंगा हाईकोर्ट ने इनको उसी दिया और बड़ी कर दिया और खाली का है ये सस्पेंड किया था क्योंकि उस आदमी ने पैसा मांगा था पीडी यहाँ था उसको मैंने हटवाया था इसलिए इनके खिलाफ उसने कार्रवाई करने का था। ऐसे ईमानदार और अच्छे आदमी उत्तम पाल जी के जीवन में कभी घूस नहीं देखी लेकिन मैं चाहूंगा कि ये लोग आपके लिए काम करते रहे नौ चेतना दहेज की बोली में अर्थी चली हजारों कन्या बैठन पाई बोली में अर्थी चली हजारों कन्या बैठन पाई बोली लाखों घर पर बात हो गए लाखों घर पर बात हो गए इस दहेज की बोली में अर्थी चली हजारों हजारों कन्या बैठन पाई बोली में हर चली हजार